हाय गाइस, मैं हूं दीपा और स्वागत करती हूं आपका deepasony.com में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन सी आदतें अपनानी चाहिए या कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा होशियार और बुद्धिमान पैदा हो। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल की बटन आएगी उस पर क्लिक कर लें। इससे हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और ये करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों, कोई भी महिला जब गर्भवती हो जाती है तभी से वह अपने मन में अपने आने वाली संतान की कल्पना करने लगती है। उस कल्पना में सबसे पहले वह यही सोचती है कि मेरी होने वाली संतान बुद्धिमान और सुंदर पैदा हो। दोस्तों, उसके लिए उसे कुछ अच्छी आदतें और खाद्य पदार्थ को अपनाना होता है जिससे कि यह संभव हो सकता है। उसे अपने इन आदतों में सबसे पहले अपने मॉर्निंग वॉक को शामिल करना चाहिए। इससे उसको फ्रेश एयर मिलेगी और मन भी शांत होगा और सुबह की हल्की धूप से उसे विटामिन डी मिलेगी जो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा है शांत संगीत। दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय पर किसी भी प्रकार की परेशानी या चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। संगीत आपकी सभी प्रकार की चिंता को भुलाकर मन को शांति और सुकून देता है, इसलिए संगीत आपके शिशु और आपके लिए दोनों के लिए लाभप्रद है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में नारियल पानी के सेवन से शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और त्वचा में निखार भी आता है। दोस्तों, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए माँ को ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप अखरोट, बादाम या फिर अलसी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ये आपके बच्चे के दिमाग को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे और आपका बच्चा बुद्धिमान और होशियार पैदा होगा। प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही आपको रोज़ एक ग्लास दूध का सेवन करना चाहिए और प्रेगनेंसी के 4-5 महीने के बाद आप केसर वाला दूध पी सकते हैं। इससे बच्चे का रंग निखरता है और बच्चे को पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं। प्रेगनेंसी के समय आपको सभी प्रकार की दालें जैसे कि चना, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर सभी प्रकार की दालों का सेवन करना चाहिए। इन्हें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है जो आपके बच्चे को तंदुरुस्त और बुद्धिमान बनाती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आपके लिए अंडे का सेवन भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि यह आपकी बॉडी में प्रोटीन और आयरन की कमी नहीं होने देता है। दोस्तों, अगर आपको खून की कमी समझ में आती है जो कि अक्सर प्रेगनेंसी में महिला को हो जाती है तो आप अनार और मुरक्के का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्यायाम करें और जितनी भूख लगे उतना ही खाएं क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से मोटापा बढ़ सकता है जो कि नॉर्मल डिलीवरी में बाधक बन सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।